नमस्कार, मैं कनिका अग्रवाल और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया फर्स्ट। जनपद रुड़की के ग्राम तेलीवाला में गंदगी को लेकर राजकीय प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य ने जनप्रतिनिधि व अधिकारियों से लगाई गुहार। आपको बता दें कि बहादराबाद ब्लॉक के तेलीवाला गांव में राजकीय प्राथमिक विद्यालय के सामने निकासी नहीं होने के कारण पानी ने तालाब का रूप ले लिया है, जिससे विद्यालय में प्रवेश के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं प्रधानाचार्य खुसरू ने कहा कि जल्द ही विद्यालय खुलने वाले और विद्यालय के सामने जल प्रभार की समस्या बनी हुई है, जिसकी लगातार से सूचना समस्त प्रतिनिधि और अधिकारियों को देता आया हूं, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्य नहीं हुआ है। वहीं विद्यालय के सामने हाईवे बनने के कारण तेज रफ्तार से चलने वाले वाहन गुजरते रहते हैं। हाईवे पर ब्रेक ना होने के कारण बच्चों के साथ बड़ी दुर्घटना हो सकती है, जिसका जल्द ही जनप्रतिनिधि या आला अधिकारियों द्वारा समाधान किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रुड़की। कोविड-19 के दृष्टिगत बच्चे विद्यालय में नहीं आ रहे, लेकिन विद्यालय खुलते ही बच्चे विद्यालय में आएंगे। रास्ता ऐसा हो गया है विद्यालय का जो कि बच्चे विद्यालय में नहीं घुस सकते। इस पर मैं अपने स्तर से ग्राम प्रधान / अन्य गणमान्यों को भी मैं सूचना या मौखिक कह चुका हूँ। बताया गया है कि ये जो है पानी की व्यवस्था अंडरग्राउंड हो सकती है, पानी बाहर कहीं भी निकासी का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। किसी कोई भी इन छोटे छोटे बच्चों को जो हमारे विद्यालय में आते हैं, वो कैसे विद्यालय में प्रवेश करेंगे आने वाले टाइम में, ये सोचने का विषय है। मैं इसके लिए सभी पत्रकार बंधुओं और अपने जनप्रतिनिधि और अपने अधिकारियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस पर इस और ध्यान दें कि ये छोटे छोटे बच्चे हमारे विद्यालय में कैसे पहुंचे। एक दूसरी समस्या ये है कि PWD द्वारा जो रोड बनाया गया है हमारे विद्यालय के सामने, हमने रिक्वेस्ट भी की, कोई स्पीड ब्रेकर नहीं बनाया गया। भविष्य में आने वाले टाइम में कोई दुर्घटना हो जाए, छोटे छोटे बच्चे विद्यालय को आते हैं, ट्रैफिक बहुत तेज़ चलता है क्योंकि रोड बढ़िया रोड अच्छा रोड बन गया है, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि विद्यालय के सामने स्पीड ब्रेकर भी बनाया जाए।